अब हम विटामिन जो है, बी जो है विटामिन, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आगे के वीडियो में हमने देखा है जो विटामिन्स है उसके अंदर विटामिन को किस किस प्रकार से विभक्त किया गया है, और विटामिन खोज और विटामिन्स के कुछ स्पेशल नाम। उसके अंदर हमने विटामिन बी को छोड़कर जितने भी विटामिन थे, यानी ए सी डी ई एंड के, इन सबको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी को। अब हमने विटामिन बी को स्किप किस लिए किया था, उसका कारण क्या है कि विटामिन बी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब है ये एक प्रकार का ग्रुप है, यानी कि विटामिन बी जो है वो कोई एक सिंगल, जैसे हमने ए को पढ़ लिया वो एक सिंगल विटामिन था, बी को मतलब सी को पढ़ लिया सिंगल विटामिन था, लेकिन विटामिन बी एक सिंगल विटामिन नहीं है। विटामिन बी एक पूरी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, जिसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, 1 2 3, ऐसे इस तरीके से हमने उसको डिवाइड कर रखा है। तो हम विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स आज विटामिन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहला विटामिन यहाँ पे आता है वो है बी1। बी1 जिसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो बी1 का केमिकल नेम है हमारे यहाँ पे बी1 थाइमिन कहते हैं इसको। थाइमिन बी1 का नाम है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, डिजीज होती है बेरी बेरी। बेरी बेरी जो रोग है विटामिन बी1 की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है। इसको हम, इसका केमिकल नेम क्या है, थाइमिन है। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम यहाँ पे केमिकल नेम, और ये डिजीज हो गई। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थाइमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग ज़्यादातर जो शराब की लत जिनको ज़्यादा होती है उसके अंदर बेरी बेरी रोग हो सकता है, ठीक है। उनके अंदर तंत्रिकाओं का जो संतुलन है वो शरीर पर नहीं रहता, यानी शारीरिक संतुलन उनका नहीं रहता, वो सही ढंग से चल नहीं पाते। प्लस उसके अंदर ये चीज़ तो होती है कि जैसे वो खाना पीना, जो उनको भूख कम लगती है, सांस फूलने लगती है, इस प्रकार के उनके अंदर कई लक्षण प्रकट होते हैं बेरी बेरी रोग में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है विटामिन बी2। बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब इस बी2 को, विटामिन बी2 को हम, इसकी कमी से, यानी इसकी अगर कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या रोग होगा, तो वैसे इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको किलोसिस कहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं सामान्यतः तो पूछा ये जाता है मुख के किनारे फटना। किलोसिस डिजीज होती है, यानी जो होठ होते हैं मुख के किनारे जो होते हैं, मुख जो होता है उसके जो किनारे, यानी कि होठ के किनारे जो है वो फटने लग जाते हैं, वहाँ से चमड़ी निकलने लग जाती है, ठीक है। सूखने सूखने जैसे हो जा सूखे हो जाते हैं, और वहाँ पे मतलब धीरे धीरे क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है और फटने लग जाती है स्किन, जो किसकी कमी से होता है, बी2 की कमी से। क्वेश्चन आता है मुख के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं, तो वो है विटामिन बी2 की कमी के कारण ये किलोसिस रोग होता है, मुख के किनारे फटना, ठीक है। विटामिन बी2 का नाम हमें याद रखना है राइबोफ्लेविन। उसके बाद विटामिन बी3 नियासिन, निकोटिनिक एसिड और नियासिन दोनों ही इसको कहते हैं, ध्यान रखना है इसका दो नाम, नियासिन और निकोटिनिक एसिड दोनों ही इसको कहते हैं, विटामिन बी3 को कहते हैं। इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो एक रोग पेलेग्रा। पेलेग्रा जो रोग है वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होता है, तो विटामिन बी3 की कमी से होना, ये पेलेग्रा जो रोग है इसके अंदर जो चर्म होती है, ज़्यादातर इसमें 3 प्रकार के रोग होंगे, तो जिसमें पेलेग्रा रोग होगा उसको दस्त की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको डिमेंशिया होगा, और ये जो मतलब डिमेंशिया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन है, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम इस व्यक्ति में होगी। उसके साथ उसको डर्मेटाइटिस भी होगा, यानी उसको चर्म रोग भी होंगे, ठीक है। क्या
चर्म रोग भी प्रकट होंगे। डर्मेटाइटिस का मतलब है उसके जो त्वचा है उस पर चकते बन जाएंगे, ठीक है, त्वचा लाल पड़ जाती है, चकते पड़ जाते हैं, सूखने लगती है। इस प्रकार के रोग यानी धूप में अगर वो व्यक्ति निकलता है तो उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा चकते बन जाते हैं, तो ये B3 नियासिन की कमी के कारण होता है पेलेग्रा रोग। विटामिन B4 नहीं है, सीधा हम B5 पे आते हैं। विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है, सबसे पहले इसका नाम हम देखते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसकी कमी से B5 की कमी से क्या रोग होता है? तो सामान्य तो B5 की कमी से, वैसे तो B5 की कमी ज़्यादातर देखने में नहीं आती है व्यक्तियों में, विटामिन B5 जो है वो अवेलेबल रहता है, उन्हें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जितनी भी खाने की चीज़ें होती है उनके अंदर B5 अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या रोग होता है? एक रोग है बर्निंग फिट सिंड्रोम, यानी तलवों का जलना। किसी किसी के तलवे जो होते हैं, पाँव के जो नीचे का पाँव जो होते हैं, पैर उसके नीचे के जो भाग होते हैं उसको तलवे कहते हैं, वो तलवे जलने लगते हैं, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम ये जो एक प्रकार का रोग है B5 की कमी से होती है। पेंटाथेनिक एसिड इसको हम कहते हैं, इसकी कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है B6, जिसको हम कहते हैं पाइरिडॉक्सिन। B6 की कमी से सामान्यतः यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो एनीमिया रोग होता है, लेकिन एनीमिया के साथ साथ कई जगह पे चर्म रोग भी देखने को मिलता है, ठीक है। B6 की कमी से सामान्यतः एनीमिया डिजीज होती है, यानी कि रक्त की कमी होती है, ठीक है, लेकिन कई जगह पे हमें B6 की कमी के कारण चर्म रोग भी देखने को मिलता है। फिर हमारा जो है विटामिन वो है B7। B7 को ही हम विटामिन BH, विटामिन H भी कहते हैं, यानी बायोटीन, दोनों को ही हम बायोटीन कहते हैं। B7 या विटामिन H, इनको हम बायोटीन कहते हैं। अब विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी बालों का झड़ना, ठीक है। सामान्यतः एक सामान्य अवस्था में अगर बच्चों के या वयस्क व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू होते हैं तो B7 की कमी हो सकती है हेयर फॉल, क्योंकि कैरोटीन जो बाल हैं, हेयर हैं, उनको बनने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैरोटीन, उस प्रोटीन को बनाने में जो ये विटामिन B7 है वो हेल्पफुल होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपके हेयर जो है वो बाल है जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है B9। B9 इसको हम यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं, मैं ये रख कर रही हूँ। विटामिन B9 जो है इसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, लेकिन ये जो एनीमिया रोग है ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। मैक्रोसाइटिक का मतलब है आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड के अंदर जो सेल्स है उसमें मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट्स दो प्रकार की सेल्स होती है, ठीक है। तो मैक्रोसाइट्स जो सेल होती है, जब ब्लड के अंदर मैक्रोसाइट सेल्स की कमी हो जाए, ठीक है, तब वो रोग कहलाएगा एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि ये किसकी कमी से होता है? B9 की कमी से होता है। कई बार हमें जो डॉक्टर है वो विटामिन की कमी से जब B9 की कमी पर हमें फॉलिक एसिड की टेबलेट लिखते हैं और हमें फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है जिससे इसकी रिकवरी हो सके, ठीक है। अब जो विटामिन है लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है विटामिन B12। इसको विटामिन B12 को हम कहते हैं यहाँ पर, वैसे तो विटामिन B12 की है बहुत सारी विशेषताएं हैं B12 के बारे में, लेकिन विटामिन B12 जो है
यहाँ पर हमें याद रखना है विटामिन B12 की मैं बात करूँ तो इसको कोबाल्मिन भी कहते हैं, इसके नेम की बात करूँ तो इसको कोबाल्मिन या साइनो कोबाल्मिन, कोबाल्मिन भी लिखा आता है, साइनो कोबाल्मिन भी लिखा आता है, आपको ध्यान रखना है B12 को साइनो कोबाल्मिन कहते हैं, यानी कि विटामिन B12 जब बनता है तो उसमें कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, कोबाल्ट आपके B12 को बनने में, कोबाल्ट एलिमेंट जो होता है, ठीक है, आवर्तसारणी में जो हमने एलिमेंट पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, ये हमें ध्यान में है, तो कोबाल्ट जो होता है वो B12 को बनने में सहायक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कोबाल्ट कौन से विटामिन को बनने में सहायता करता है, तो वो है B12 को, इसीलिए इसके नाम में ही नाम आ रहा है देखो कोबाल्ट का, साइनो कोबाल्मिन। अब इसकी कमी से, तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, लेकिन इसकी कमी से जो एनीमिया रोग होता है वो पर्सिसिव एनीमिया होता है और हम इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया यानी इस एनीमिया के अंदर जो माइक्रोसाइट सेल्स होगी ब्लड की, उसकी कमी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है साइनोकोबाल्मिन में यानी एनीमिया के अंदर, देखो यहाँ पर हमें फॉलिक एसिड यानी आयरन की गोलियाँ दी जाएगी, यहाँ पर जो है B12 के अंदर साइनोकोबाल्मिन B12 की गोलियाँ हमें विटामिन की देते हैं, जब हमें माइक्रोसाइटिक सेल्स की, ब्लड के अंदर माइक्रोसाइटिक सेल्स की कमी हो जाती है तब, ठीक है। और ये पर्सेशियस एनीमिया है यानी कि यहाँ पर जो एनीमिया रोग होता है उसके साथ साथ तंत्रिकाओं का नियंत्रण भी धीरे धीरे, मतलब जो एक तंत्रिकाओं का नियंत्रण भी बिगड़ता है इसमें, ठीक है, तंत्रिकाओं पर भी असर होता है इसकी कमी का, B12 की कमी का, तो इसको पर्सिसिस एनीमिया कहते हैं। और वहाँ से ब्लड का कंट्रोल नहीं रहता, ब्लड की जो मात्रा है वो घटने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने विटामिन्स को देखा, जितने भी विटामिन थे उन सभी को हमने यहाँ पे डील किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर विटामिन्स पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।